अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। माह रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। अल्लाह पाक आपको इस पाबरकत महीने की तमाम बरकतें और रहमतें हासिल करने की तौफीक अता करे। बस कुछ ही दिनों में रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट हो रहा है। मैं आपके लिए मटन की ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसका टेस्ट लाजवाब होगा, मगर मेहनत बहुत ही कम लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हौसला अफजाई कीजिएगा। चलें फिर मटन ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो गोश्त लिया, इसमें शामिल किया 4 खाने के चम्मच लेमन जूस, लहसुन अदरक का पेस्ट, 2.5 खाने के चम्मच सुरख मिर्च, 1 खाने का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 2 बड़ी साइज़ की प्याज फ्राई करके क्रश करके ऐड की, 1.5 कप दही में 1 कप पानी फेंट के अच्छे तरीके से ऐड किया। अच्छे से मिक्स किया। 1/2 कप ऑयल ऐड किया। कवर करके 1 घंटे के लिए रेस्ट दिया। अगर आपको दूसरे दिन मटन बनाना है तो 1 दिन पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। 5 मिनट हाई फ्लेम पे कवर करके कुक किया, उसके बाद थोड़ा सा हिलाया और 30 से 40 मिनट लो फ्लेम पे स्टीम पे कुक किया। देखें माशाल्लाह परफेक्ट मटन ग्रेवी रेडी है। इसके लिए ना तो आपको कोई एक्स्ट्रा मसाला चाहिए और ना ही आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। ऊपर से बस थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च ऐड की, आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मटन ग्रेवी रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादात में मसरूफ़ रहें और कुरान पाक को तर्जमे के साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें। मेरी तो माह रमज़ान की रेजोल्यूशन यही है, आप भी प्लीज़ बनाएं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।